नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। वजह पूछोगे तो सारी उम्र गुजर जाएगी, कहा ना अच्छे लगते हो तो बस लगते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सब कुछ मिला है हमको फिर भी खबर नहीं है, बरसों की सोचते हैं पल की खबर नहीं है। लोग कहते हैं कि पैसे रखो बुरे वक्त में काम आएगा, मैं कहती हूँ कि ईश्वर पर यकीन रखो तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। आपको भी दुनिया पर विश्वास नहीं रखना है, आपको भगवान पर उस खुदा पर भरोसा रखना है। अगर उस पर भरोसा रखोगे तो वो बुरे दिन आने ही नहीं देगा। बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी रखिए। उनके कर्जदार और वफादार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं, क्योंकि अंजाम की खबर तो महाभारत में कर्ण को भी थी, पर बात दोस्ती निभाने की थी। आपको भी हमेशा उन लोगों का साथ देना चाहिए, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए जो लोग आपके लिए अपना वक्त निकालते हैं और आपका साथ देते हैं। उन्हें छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सच्चाई के रास्ते पर चलने का फायदा यही है कि आपके साथ भगवान रहते हैं, और जिसकी तरह भगवान हो उसको कोई हरा नहीं सकता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए शुभ रंग रहने वाला है नारंगी यानी ऑरेंज, और शुभ अंक रहने वाला है 5। आज आपको बिजनेस में फायदा हो सकता है, नए मौके मिलने के योग बन रहे हैं, आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, कई तरह के काम आपको संभालने पड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ करने की इच्छा हो सकती है, पैसों की स्थिति में सुधार होगा, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, संतान की तरफ से अच्छी खबर या संकेत मिल सकता है, कामकाज और दुनियादारी से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी, थोड़ी सी कोशिश में ही कोई काम पूरे हो सकते हैं। आज अपने ही लिए फैसले जो हैं वो आप उसमें उलझ सकते हैं, परिवार में किसी के साथ तीखी बहस हो सकती है, कार्यस्थल या बिजनेस में किसी से अनबन होने के योग बन रहे हैं। आज का जो दिन है वो आपके लिए अपने भविष्य यानी फ्यूचर की रूपरेखा पर काम करने का है। अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके आपको काफी हद तक सफलता मिल सकती है, ये बहुत अच्छी है, जो आपके लिए अधिक संतुष्टि देने वाला साबित हो सकता है। दिन कड़ी मेहनत की आवश्यकता वाला रहेगा। एक मिशन या काम आज दूसरों को कड़ी मेहनत की तरह लग सकता है, लेकिन ये आपके लिए सुखद और चुनौतीपूर्ण रहने वाला हो सकता है। सफलता आज मिलती दिख रही है, यानी कि सितारे जो हैं आपके लकी रहेंगे, आप ये इशारा कर रहे हैं कि आपको सफलता मिल सकती है। आज दूसरों की बातों पर गौर फरमाने के बजाय खुद पर भरोसा रखें तो बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध राशि में ही होकर आपको आत्मविश्वासी बना रहे हैं। अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए आप खुद के लिए खरीदारी पर खर्चा कर सकते हैं, आप अपने कपड़ों से रिलेटेड कोई खरीदारी कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट दस्तावेज कहीं रखकर आप भूल सकते हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, फाइल्स वगैरह घर पर ही ढूंढने से आपको मिल सकती है। वहीं अपने ईगो पर आज आपको काबू रखना होगा और संपर्कों का फायदा उठाना होगा, यानी कि जो कॉन्टैक्ट्स जैसे आप लोग हैं नए जुड़ेंगे उनसे आपको फायदा हो सकता है। आज आपके लिए जो है महत्वाकांक्षाओं और जिम्मेदारियों का समय भी रहेगा, शांत रहने और खुद को गति देने का दिन है, क्योंकि आप लंबे समय से बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट करते रहिएगा, और आप लोगों के लिए जो मोटिवेशन है वैसे भी मैं लाती ही रहती हूँ। इस परिश्रम का आज आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। आपके लिए आज का दिन बहुत कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा, आज आपको मोटिवेशन काफ़ी मिलेगा, आप विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश को सही अंजाम दे सकते हैं। आज आपकी राशि में विशेषता है कि काम के हर पहलू पर विचार करके उस पर काम करेंगे। आज का ग्रह गोचर भी आपके इन गुणों को गति प्रदान कर सकता है, यानी यही गुण जो है आप में और अधिक ज़्यादा विकसित हो सकते हैं। अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखकर अपने काम पर ध्यान देना होगा। कभी कभी आपके विचारों में कुछ शंकाएं होती हैं, इसकी वजह से आप दूसरों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकते हैं।
और आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। तो चलिए बात करते हैं अब हम लव लाइफ की। तो आपसे संबंध आपके मधुर हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में समय देने की आज आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। नकारात्मक फैसले लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो भी आप करें, कोई फैसला लें और उसके बाद आपको पछतावा करना पड़े। इस बात का ध्यान रखें। आज प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए आपका समय बढ़िया कहा जा सकता है। अपने आसपास के लोगों के साथ आपको सबसे सहज होना चाहिए, यानी कि सबसे सहज स्वभाव से बात करें। अपने गुस्से पर और अपनी जुबान पर काबू रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो आप कुछ उल्टा सीधा बोल दें तो उससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आज आपकी जो है परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको मिल सकता है आपके बिजनेस में, जिससे आप खुद को काफ़ी फ्रेश महसूस कर पाएंगे। घर के सुख सुविधा से रिलेटेड कोई खरीदारी करने की भी योजना बना सकते हैं। आज आप घर में कोई वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर ऐसी कोई बड़ी चीज़ भी खरीद सकते हैं तो बेटर रहेगा। आज साथ ही साथ में कुछ ज़रूरी काम जो हैं आज कर सकते हैं। आज आपका कोई काम आपके परिजनों या परिवार के लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है। परिवार के लोगों में आज आपकी काफ़ी अनबन नहीं रहेगी। पहले जो आपने अनबन क्रिएट की थी, यानी कि लड़ाई झगड़ा हुआ था, उससे बहुत ही जल्दी बदलाव आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण जो है घर का माहौल खुशनुमा बना रह सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिजनेस और करियर की तरफ। आपकी थोड़ी सी मेहनत से किसी काम में ज़्यादा सफलता मिल सकती है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए और परिस्थितियों का फायदा उठाइएगा। जल्दी ही नई उपलब्धि आज आपको मिल सकती है। कुछ आवश्यक काम से आपको थोड़ी परेशानी तो होगी ही, समय की कमी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि आपका काम ज़्यादा होगा और समय आपके पास कम होगा। गैर सरकारी काम आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है कि अपने काम को अपने तरीके से बिना किसी के बताए निपटाने कीजिएगा। भाग्य आज आपका काफ़ी प्रबल रहेगा। समय अच्छा है, इसका आपको भरपूर फायदा भी उठा लेना चाहिए। करियर के लिहाज से दिन सामान्य परिणाम देने वाला रहेगा। बिजनेस वालों को लाभ के अवसर भी मिलते नज़र आ रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाइए। काम पर मेहनत करते जाइए तो ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आज स्वास्थ्य कहता है कि कुछ शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। ये बदलते मौसम की वजह से भी हो सकता है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी को दूर करने के लिए आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो इससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। वहीं सेहत के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना भी चाहिए, जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है। जोड़ों में दर्द की शिकायत आप में से कुछ लोगों को हो सकती है। साथ ही साथ में आज आपको ठंडी चीज़ों से परहेज करना होगा। अगर आज आप जंक फूड्स और ऑयली फूड भी अवॉइड करते हैं तो शरीर आपका पहले से हल्का फुल्का फिट एंड फाइन रह सकता है। सेहत बाकी जो है लोगों की बढ़िया रहने वाली है, आपको कुछ परहेज रखना पड़ सकता है। तो आप बात करते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या कहता है। तो विशेष उपाय मैं कहना चाहूँगी कि आज आपको जो है अपने परिवार वालों का साथ देना चाहिए। और हाँ, किसी का भी दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो भगवान की नाराज़गी हासिल करते हैं। इसलिए, क्योंकि हर दिल में भगवान बसता है, सबको खुश रखिए और खुद भी खुश रहेगा। साथ ही साथ में अगर आज आप जो है घर से निकलते वक्त दही का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। इसका असर जो है आपके आर्थिक जीवन पर पड़ सकता है। घर में बच्चों को खुश रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।